देवाभिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हम दुनिया में जो कुछ भी किसी को देते हैं वो सब हम तक ही वापस आता है। यदि हम किसी को गाली देते हैं तो गाली हम तक आती है, किसी को गीत देते हैं तो गीत हम तक आते हैं, किसी का सम्मान करते हैं तो सम्मान फिर हमारा भी होता है, किसी का अपमान करते हैं तो फिर हमारा भी अपमान होता है, हम किसी की हिंसा करते हैं तो फिर हमारी भी हिंसा होती है, हम किसी के साथ गलत काम करते हैं तो फिर हमारा भी गलत होता है। ये जिंदगी एक गूंज है। जैसे हम पहाड़ों में जाकर के कुछ बोलें तो वो आवाज़ हमारे तक वापस लौट करके आती है। हम कहते हैं कि तेरा भला हो तो आवाज़ 3 बार हमारे पर लौट के आती है, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। हम कहते हैं तेरा सत्यानाश हो तो 3 बार आवाज़ निकल के आती है, तेरा सत्यानाश हो। जो देते हैं वो वापस आता है। जैसे आप दान देते हैं तो आपके साथ अपार संपदा आती है, लौट के वापस आती है। तो अब आप देख लीजिए हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। अपना मंगल, शुभ विचार, अच्छे कार्य, ये सब कुछ हमें देना है और जो बुराइयां हैं वो छोड़ना है हमें। ये भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का 2550 वर्ष का अपन निर्माण महोत्सव मनाएंगे। एक भगवान की बहुत सुंदर 51 फीट की प्रतिमा विराजमान करके उसका महामस्तक अभिषेक रखेंगे 1 वर्ष तक, और भारत सरकार और भारतवर्षीय दिगंबर सितंबर जैन समाज मिलकर के इस उत्सव महोत्सव को मनाएंगे। आप सब लोग उस प्रतिमा के निर्माण में जुड़ सकते हैं और जो नीचे नंबर दिए हैं भैया के उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव, श्रावक के षट कर्तव्य में पहला कर्तव्य है देव पूजा, देव की पूजा करना। कौन से देव की पूजा करना? देवादिदेव, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जो भगवान हैं उनकी पूजा करना। ये देव हैं हमारे। और पूजा कैसे करना? तो पूजा के लिए उन्होंने बताया है सबसे पहले अभिषेक करना। पूजा में जो पूजा के अंग हैं उस अंग में सर्वप्रथम जो अंग है वो अभिषेक का अंग है। अभिषेक पूर्वक ही पूजा होती है, बिना अभिषेक के पूजा नहीं होती। इसलिए सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके जैन श्रावक बंधु मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। अभी ऐसा समय है कि हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ऐसा काल चल रहा है, ऐसी महामारी चल रही है। जैसे महामारी भद्रबाहु के समय में अकाल की आई थी कि लोग हाहाकार मच गया था, और ऐसे ही महामारी जहाँ हर किसी के घर में कोई ना कोई किसी न किसी का स्वर्गवास हो रहा है, देह त्याग हो रहा है, अपने ही लोग जो हैं छूट करके जा रहे हैं। तो इस काल में हम सब लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, टीवी आदि के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप जिनालय का अभिषेक देख रहे हैं। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी आश्चर्यकारी प्रतिमा का आप प्रतिदिन पहले सबसे पहले अभिषेक देखते हैं, और उसके बाद फिर उनके मस्तक पर महाशांति धारा होती है, बीज मंत्र बोले जाते हैं, एक एक मंत्रों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है, वो हमारे कर्मों की निजरा कर दे। पर ध्यान से सुनना और उसको सुनकर के अपने अपने आत्मसात करना, वो सुनना तुम्हारा ब्लड के साथ चला जाए, तुम्हारी आत्मा में बैठ जाए, फिर देखना कर्मों की निजरा कैसे होती है। तो आप सब लोग ऐसे अभिषेक और महा अभिषेक और मस्तक अभिषेक से जुड़ करके अपने कर्म की निजरा करें। आज दिल्ली का सुप्रसिद्ध जो मंदिर है रत्नात्रेय मंदिर द्वारका, जहाँ पर अभिषेक महा शांति धारा में 10 परिवारों के नाम आए हुए हैं।
और वहाँ पर गरीबों को जो निःशुल्क भोजन वितरण चल रहा है उसमें दो परिवारों के नाम आए हुए हैं। सभी परिवारों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अपना नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांति पूर्वक सुने। आइए अभिषेक प्रारंभ करते हैं। ओम रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीम झीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र चरण जिन्हें शक्तियामिति स्वाहा। आइए आज की व्रत संधारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वितरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे हने हने दह दह पच्य पच्य पाचय पाचय ओम नमो अरं झं झ्वीं छ्वीं हं सं जं पः छां छीं छुं च छ्वीं रं 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 रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते ठाय ठाय स्माकम। आज हमारे पास शांति धारा में 10 परिवारों के नाम आए हुए हैं। इन परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि एवं मन्नत वाले बाबा का आशीर्वाद बना रहे ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा योजना में 2 परिवारों के नाम आए हुए हैं। इनसे परिवार की पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है। नाम इस प्रकार से हैं श्री निर्मल जी संदीप जी संतोष जी स्मिता जी सचिन निशा प्रदीप समृद्धि संस्कार अरहम परिकेत आर्जब समस्त पाटनी परिवार रोहिणी निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। इन परिवार की 51 शांतिधारा चल रही है। श्री राजकुमार जी निर्मला जी मनीष जी सुमित जी प्रतिष्ठा कार्तिकेय अति सजन सपरिवार के सुख शांत समृद्धि एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु नोएडा निवासी। इन परिवार की 51 शांतिधारा मंदिर में चल रही है। श्री चांदमल जी पारसमल जी सावित्री देवी बड़जात्या सपरिवार पुत्री संगीता शशि जैन सपरिवार कोलकाता वेस्ट बंगाल निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। इन परिवार की 21 शांतिधारा मंदिर में चल रही है। श्री पदम चंद जी सरोज देवी मनीष पिंकी शिल्की सपरिवार मनोकामना पूर्ण हेतु अंधेरी मुंबई निवासी सुख शांत समृद्धि हेतु श्रीमती बीना वाइफ ऑफ वीरेंद्र जी सुपुत्र शशांक जी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुख शांति समृद्धि हेतु गुड़गांव निवासी श्री सौरभ जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु एस सी जैन विशाखा केरा सपरिवार इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी सुख शांति हेतु। इन परिवार की 7 शांतिधारा मंदिर जी में चल रही है। श्रीमती राजकुमारी जैन वाइफ ऑफ संपत राय जी जैन सपरिवार भीलवाड़ा राजस्थान निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। राहुल जी जैन के कोरोना रोग निवारण हेतु पूजा जी की तरफ से स्वास्थ्य लाभ हेतु पीतमपुरा निवासी अखिल सुषमा अंकित पारोल समस्त परिकर कोरोना रोग निवारण हेतु नोएडा निवासी उर्मिला देवी कंवर सेन जी जैन सुखमाल चंद जी जैन सुदेश जैन सुधीर जैन संजय जैन सपरिवार दिल्ली निवासी सुख शांत समृद्धि हेतु स्वास्थ्य लाभार्थम। डॉक्टर एस पी जैन अश्विनी अभिषेक अनुपमा सपरिवार वैशाली गाजियाबाद निवासी इन परिवार की तरफ से आचार्य अन्नपूर्णा योजना है। आरना जैन धोंडे समस्त परिवार सुख शांत समृद्धि हेतु एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु वैशाली दिल्ली निवासी इन परिवार की तरफ से भी आज अन्नपूर्णा योजना है। सर्व शांत धारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी के सामने बैठकर देखने वाले सकल जैन समाजस्य सर्व जीवस्य वृद्धिरस्तो सदा समृद्धिरस्तो सुखमस्तो दीर्घायुरस्तो कुल गोत्रानि सदा संतो सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तो स्वाहा। एवं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमतः सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय श्री द्वादश गढ़ सहिताय अनंत चतुर्थ सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट् चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विशुकास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रथम संगोप सर्ग विनाशनाय गातिक्रम शंकराय अजराय अव्वाय सर्व शांत धारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी क्षण बैठ कर देखने वाले हम सकल जैन समाज से सर्व जीवस्य व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो
श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षेणा से दुष्कलमशाय दिव्य तेज मूर्तये। नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्वार्य शांतिकराय। ओम राम ह्रीं अस्याहु स नमः। मम सर्व विघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्वसान धारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी बैठकर देखने वाले सकल जैन समाज से सर्वे जीव से अवादम मृत्यु सर्वसोल रोगा वृक्ष पत्र पुष्प फल मारी सर्व राष्ट्र मारी सर्व देश मारी करने वाले देश विदेश में टीवी बैठकर देखने वाले सकल जैन समाज से सर्व जीव से अशुभ कर्म जनित दुखानी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोल स्वर वीर शांति सर्वजनानंद नाम संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम्। बंधु सादर जय जिनेन्द्र। रत्नत्र जिन मंदिर में हम प्रतिदिन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर छत्र चढ़ा रहे हैं। जो आप बड़ा छत्र देख रहे हैं किस प्रासे के माध्यम से और जो छोटा छत्र देख रहे हैं या 11 प्रासे के माध्यम से आप यहाँ पर नाम लिखवा कर छत्र चढ़ा सकते हैं और धर्म लाभ ले सकते हैं। आइए छत्र चढ़ाते हैं। छत्र त्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुचे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल बिभ्रद शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम रीम छत्रत्रम स्थापयामिति स्वाहा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव अब आवश्यकता है समाज को कि कुछ ऐसा काम करे जो जन कल्याणकारी काम हो परोपकारी कार्य हो। पूजा पाठ अपने लिए है और परोपकार सबके लिए होता है। परोपकार को देखते हुए अब एक ऐसे अस्पताल की आवश्यकता है जिसमें सभी जन जो हैं सभी वर्ग के लोग अपना उपचार करा के अपने को स्वस्थ रख सकें। ऐसा कार्य होना चाहिए। इसी बात सबको देखते हुए एक यहाँ दिल्ली समाज और पूरे भारत में रहने वाले समाज मंगल भावना भाती है। यह कार्य होना चाहिए। हमारा मंगल आशीर्वाद है। आप इस पुनीत कार्य से पुण्य कार्य से जुड़ करके अपने समाज को समृद्ध बनाएं और सुरक्षित बनाएं। ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद। बंधु सादर जय जिनेन्द्र। रत्नत्र जिन मंदिर में आचार्य विद्यानंद पूर्णता जी भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है आज उसमें दो परिवार के नाम आए हुए हैं डॉक्टर एस पी जैन अश्विनी अभिषेक अनुपमा सपरिवार वैशाली गाजियाबाद निवासी अर्ना दौंडे समस्त परिवार सुख समृद्धि तुम स्वास्थ्य लाभ हेतु कैलाश दिल्ली निवासी इन परिवार की पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। बंधु सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है रत्नत्र जिन मंदिर द्वारका दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है अतिशय क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं। आप भी यहाँ पर शांति धारा करा करके एक दिन की शांति धारा की राशि 1100 रुपये है। 7 दिन की शांति धारा की राशि 5100 रुपये और 21 दिन की शांति धारा की राशि 11000 रुपये और 51 दिन की शांति धारा की राशि 21000 रुपये है। आप भी यहाँ पर शांति धारा करा सकते हैं। चाहे आपका विवाह वर्षगांठ हो जन्मदिन हो या किसी के घर पर पुण्यतिथि हो और कोई भी शुभ मंगल कार्य हो यहाँ पर शांति धारा करा सकते हैं। एवं यहाँ पर आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण आयोजन के तहत निःशुल्क भोजन वितरण शनिवार और रविवार को चल रहा है। आप एक दिन की राशि यहाँ पर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराने की 2100 रुपये है। 3 दिन की राशि 5100 रुपये है और 7 दिन की राशि 11000 रुपये है। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, प्रीति वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा अरिहंत ट्रांसपोर्ट शक्तिनगर दिल्ली, श्रीमती राजबाला जैन वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन पीतमपुरा दिल्ली मैसर्स बूटाराम जय भगवान जैन, संगीता वाइफ ऑफ अजय जैन मॉडल टाउन दिल्ली,